एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए जब आया देख किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण मैं हल जोतता हूँ तब खाता हूँ, तुम भी हल जोतो और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, महाराज मैं भी खेती करता हूँ, मैं भी एक किसान हूँ। यह सुन किसान हक्का बक्का रह गया। जिज्ञासा से उसने पूछा, बुद्ध मैंने ना तुम्हारे पास हल देखा है और ना बैल और ना ही खेती का स्थल, तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में मुझे समझाइए। बुद्ध फिर मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, महाराज मैं पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी ज्योत और हल है, और मेरे पास पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल्की फाल और पैनी है। मैं वचन और कर्म से संयम रखता हूँ, मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त करता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है, वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है, इस प्रकार मेरी अमृत की खेती करता हूँ। यह सुन किसान की आंखों में आंसू आ गए और वह दोनों हाथ जोड़ तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, बुद्ध मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप जैसे ज्ञानी तपस्वी को पहचान नहीं पाया, मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने उस किसान को उठाकर अपने कंधे से लगा लिया और कहा कि मैं भी तो एक किसान हूँ, मैं भी ऐसे ही बीज बोने का काम करता हूँ। यह कहकर बुद्ध अपने मार्ग पर चल दिए और किसान उन्हें देखता ही रह गया।